हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी? होप सो मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑनियन सीड्स की सीड्स जर्मिनेशन। तो प्याज के जो बीज की जो है जर्मिनेशन अंकुरण किस तरह से हुआ उसकी पूरी जानकारी दूंगा वीडियो के माध्यम से। कितने दिन में अंकुरित हुई जो है नर्सरी प्याज की, नर्सरी प्याज की पनीरी, तो उसके बारे में वीडियो के माध्यम से जो है आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो के जो है एंड तक बने रहे, साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो जैसे आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो जो है जिस दिन मैंने नर्सरी जो है ऑनियन नर्सरी प्याज की नर्सरी जैसे डाली थी, तो उस दिन मैंने आपको वीडियो बताई थी पार्ट वन में। तो ये पार्ट टू है। तो पार्ट वन में मैंने बताया था आपको किस तरह से इसकी जो है बिजाई की जाती है, बीज को किस तरह से लगाया जाता है, पूरी जानकारी दी थी। तो आज मैंने इसका जो है जर्मिनेशन हो गई है, ये अंकुरित हो गया है, अंकुर होके जो है बाहर निकलाया है प्याज का सीड्स जो है उसके। तो आप देख सकते हैं आप अपनी आंखों से किस तरह से जो है अंकुरित हुआ है। ये बहुत अच्छा जो है एक जो है सीक्वेंस से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुआ है, सारे का सारा सीड्स जो है अंकुरित हो गया है तकरीबन 4 दिन में। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं नज़ारा, बड़े ब्यूटीफुल क्या नज़ारा है। तो देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौध जो है बिल्कुल धरती का सीना चीर के जो है कैसे अंकुर हो रहे, अंकुरित हो रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे जो है ये दाने, ब्लैक ब्लैक से जो है ये दाने जो है छोटे छोटे, ये प्याज का सीड्स है, प्याज का बीज है। तो ये देसी प्याज है हमारा जो हम इसका बीज जो है घरों में ही तैयार करते हैं, अपने ही घरों में तैयार करते हैं। और जो है अगल बगल के लोग जो है गाँव के या अगल बगल गाँव के लोग जो है हमसे इसके लिए इसको लेने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मिट्टी के जो है मिट्टी का सीना कैसे चीर कर जो है ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठ रहा है ये। तो यहाँ मिट्टी जो है थोड़ी ज़्यादा पड़ गई है ऊपर, इसके ऊपर कवर ज़्यादा हो गई है मिट्टी। तो ये कितना जोर लगा के जो है बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी पूरी इन्होंने मिट्टी को जो है फाड़ दिया, जैसे मतलब देख सकते हैं अपनी आंखों से कैसे बिल्कुल उठा दिया ऊपर मिट्टी को, कितना जोर लगा लगा के ये सीड जो है ऊपर आ रहा है। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं बिल्कुल सिक्वेंस वाइज जो है बिल्कुल इसकी जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हुई है। इसको जो है हाथ वाइज हाथ, इसका बेचने का तरीका होता है इसको हाथ वाइज हाथ देते हैं इसका। तो इस हिसाब से हमें जो है इसको बिल्कुल घने घनी जो है डालनी पड़ती है। तो ये जो चींटियाँ होती है, चींटियों के जो है इसको जो बहुत पसंद करती है प्याज के सीड्स को। तो ये इसके लिए जो दूर दूर से जो है चींटियाँ इस प्याज के सीड्स की जो है प्याज के बीज की जो है सुगंध सुगंध या सुगंध से जो है आकर्षित होकर जो है प्याज की पनीरी की जो है नर्सरी के नज़दीक आ जाती है। और इनको जो है सीड्स को बहुत पसंद आता है, इसका फेवरेट डिश होती है ये इनकी। तो इनको जो है उठा उठा के ले जाते हैं सीड्स जो है अगल बगल में बहुत हर जगह देख, जहाँ चींटियाँ से बीज जो है उठा कर ले जाती है और अगल बगल फेंका होता है तो वहाँ भी जो है इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, अंकुरित हो जाता है साइड में भी। तो ये चींटी को जो एक आहार, अच्छा आहार होता है इसको लिए, इस मतलब दूर दूर से चींटियाँ जो है इसकी खुशबू से जो है दूर दूर से जो है नर्सरी की ओर खींची चली जाती है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो इसके कवर जो पॉलिथीन का कवर दिया था, मैंने पहले पार्ट में बताया था, उसका कवर निकाला और जो ढक्कन था, ढकना था मतलब जो इसको कवरिंग की हुई थी तो ढक के रखा हुआ था वो निकाल दिया। तो आज इसको मैंने निकाल दिया, सुबह सुबह का टाइम है तो इसको जो है पानी की सिंचाई कर रहा हूँ, इसको बारीक फुहार से पानी की सिंचाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो है नन्हे पौध है इनको जो सिंचाई नहीं करूँगा तो धूप से जो इनकी जो है धीरे जो पानी देना अंकुरित हुए शुरू कर छोटे दिया है। छोटे जो है पौध जो है निकल रहे हैं वो धूप से मर भी सकते हैं। तो इसको पानी जो है बहुत ज़रूरी है, बारीक फुहार से इसको पानी देना पड़ता है। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं बिल्कुल नज़ारा कितना जो है सुपर बेस है जो बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ग्रीनेस, बिल्कुल हरियाली जो है कैसे जो है सीड जो है अंकुरित हुआ है सीड्स। तो मैं आपको जो है समय समय में जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है अनेकों जानकारी जो है साझा करता रहता हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर जरूर करें अपने साथियों में, किसान साथियों में, ताकि उनको भी जो है पूरी जानकारी मिल सके। पार्ट वन और पार्ट टू बिल्कुल दोनों शेयर करें, कैसे मैंने इनकी सीड्स जो डाले थे, बिजाई की थी उसकी मैंने वीडियो बताई है पार्ट वन में। तो ये पार्ट टू है, तो पार्ट टू में देख सकते हैं आप कैसे जर्मिनेशन हुई। तो धन्यवाद दोस्तों।